अक्सर आपने कभी भी कई बिल्डिंगें देखी होगी कि आपको भवन बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आपने कभी नींव की ईंट नहीं देखी होगी। ऐसे ही मेरे साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी है, जो जय राजपूताना संघ नाम की एक भव्य इमारत की नींव की ईंट है। विक्सा, आप जो ये कार्यक्रम करते हो, कि मैंने एक बार आपका कार्यक्रम देखा टीवी के ऊपर, भी मुख्यमंत्री को भी आप धन्यवाद के लिए तलवारें लेके जा रहे हो, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हो? देखो क्या है, उगम समाज की पीड़ा जब किसी की व्यक्ति के मन में हो, तो मैंने ये महसूस किया, 15 साल का मेरा अनुभव है, बचपन काल से इसमें लगा जाता उगम की ये प्रेरणा दी कि मैं इसके कार्य करूँ। तो समाज में आप कहीं भी अगर निर्मल भाव से और निस्वार्थ भाव से अगर कार्य करते हो, तो समाज उसके साथ खड़ा रहता है। 70 सालों में समाज में कमी नहीं है, हमारे जो लीडर रहे हैं उनमें कमी रही है, वो कहीं ना कहीं समाज की गतिविधियों में या कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाते हैं या कहीं किसी पार्टी की ओर लेके जाते हैं किसी झुकाव। जहाँ हमें ये निर्णय करना चाहिए कि समाज का अगर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति है या समाज का अगर कोई पार्टी फायदा करती है, तो हमें निश्चित रूप से उस पार्टी के धन्यवाद में क्या आपत्ति है। जो हमारे समाज को फायदा पहुँचाएगा हम उसके लिए खड़े हैं, जो नहीं पहुँचाएगा वो चाहे तलवारों से। जो आपका स्टाइल था वो जी, कि जिस तरह से आप जुलूस लेके गए, सारा जुलूस आपका पूरा एक ड्रेस में, हाथों में तलवारें, और तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया नहीं है हुकुम, ये एक परंपरा है हमारी। क्षत्रिय हमेशा तलवार का, हमने इसलिए रखा है हुकुम कि तलवार का दैनिक क्षत्रिय रहा है। आज हम हमारे शस्त्रों का त्याग कर देंगे तो उसकी उपेक्षा हो जाएगी। शस्त्र के बिना, मेरे हिसाब से शस्त्र और शास्त्र के बिना क्षत्रिय अधूरा है। तो जब क्षत्रिय की परिभाषा उससे है, तो हम अपने केसरिया पगड़ी को अगले को लगना तो चाहिए ना उसकी वेशभूषा से, भाई राजपूत है। हम कहीं जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी कोई हो, कितने बड़े हो, चाहे पीएम हो, सीएम हो, हम हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर हमें दी है उस धरोहर के रूप में हम नहीं जाएंगे, तो फिर क्या मतलब है? ऐसे पैंट शर्ट पहन के बहुत घूमो, आप किस परंपरा का परिवर्तन? आपके जो कैंप लगते हैं, तो सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता हूँ, तो उसके अंदर साफा बांधना, ये इस तरह के सिखाते हैं, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ क्या होती है उसके अंदर? देखिए, तीन से हमारे तीन तरह के कैंप लगते हैं उसमें। पहला कैंप हमारा छोटा कैंप होता है 3 दिवसीय, जिसको हम संस्कार शिविर कहते हैं। उसमें केवल हम साफा बांधना सिखाते हैं बच्चों को, और उनको ये बताते हैं कि हमारी पीढ़ियों के परंपराएं क्या रही है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद हमारा, उसको हम बोलते हैं समर भूमि। सेकंड हमारा जो कैंप होता है वो मां समर होता है, वो वर्ष में एक बार लगता है। इसमें पूरे भारतवर्ष से केवल हम 1000 व्यक्तियों को सेलेक्ट करते हैं। उसमें हम उनको घुड़सवारी, तलवार, लाठी, बंदूक, हथियार और हमारी जो पूरी वेशभूषा है, धोती बांधना, साफा बांधना, जो भी परंपरा के जो गुण है वो सारे उसमें हम सिखाते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रेनर है, हमारे जो क्षत्रिय बंधु जो हमने कैंप में सीखे हैं वो कैंप में हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा पूरे साल में 2 साल में हमारा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शिविर लगता है, अभी आने वाले समय में नर्मदा के किनारे लगेगा। उसमें हम जो व्यक्ति मां समर और समर भूमि को अटेंड कर लेता है, जिसमें ये हो कि हम पूर्वजों के इतिहास और आध्यात्मिक धरोहर को आगे बढ़ाएं, उनको उस आध्यात्मिक चेतना में बढ़ाते हैं, ताकि वर्तमान में जो क्षत्रिय दूषित हुआ है उस दूषित परंपरा को या जो अवगुण है हमारे अंदर, उनको हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमसे दूर कर सकते हैं। एक आपने क्षत्राणी कल्प योजना चला रखी है, उसके बारे में बताएंगे? क्षत्राणी कल्प योजना, पहले हमने शुरुआत की थी हुकम ये की सिलाई मशीनों से। हमारे मन में ये पीड़ा थी कि समाज ये कहता है कि विधवा क्षत्राणियाँ, विधवा क्षत्राणियाँ। समाज के कई बंधु जो उसकी उपेक्षा करते हैं, मेरी नज़र में ये है कि हम अगर किसी व्यक्ति को सक्षम नहीं बना सकते तो उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। तो हमने ये महसूस किया, एक सबसे पहले हमारे पास एक पीड़ा आई थी एक परिवार की, कि वो दोनों जो माता पिता थे उस बच्ची के, वो अपंग थे और उस बच्ची के परिवार में शादी करने वाला कोई नहीं था, तो उनकी सगाई तो तय हो गई, तो ये बड़प्पन रहा, ये उस बच्ची का कुछ किस्मती रहा कि दूल्हे पक्ष ने उनसे कुछ नहीं लिया। तो हम गए थे उनके आंसू हमारे से देखे नहीं गए, तो हमने कहा आप चिंता का कोई विषय नहीं है, हम कोई समाज का चेक देखे या दिखावा नहीं करेंगे, हम भाई बन के आएंगे। तो हमने 71,000 का मायरा और जितनी भी थी उनकी व्यवस्थाएं की। उसके बाद हमारे मन में ठीक सही कि क्या समाज इतना दुर्बल है कि हम रैलियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, हम नेताओं के ऊपर 1000 रुपए खर्च करते हैं, और क्या हम समाज के लिए 151 रुपये नहीं देते? तो हमने उस मुहिम को एक चाय एक कप एक समाज के नाम से हमने उस मुहिम चलाई। और क्षत्राणी कल्प में हम क्या करते हैं, 151 रुपये मासिक डोनेशन लेते हैं। जहाँ की क्षत्राणी कल्प चल रही है वहीं के कमेटी बनाते हैं, वही लोग उस कमेटी को चलाएंगे, उन्हीं के खाते में वो पैसा आएगा, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। हम तो केवल उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो 151 रुपये के माध्यम से अकाउंट वगैरह सब उसमें हम क्लियर रखते हैं, सारा हिसाब वगैरह। और हम वहाँ से चूज करते हैं, जैसे किसी का सुझाव आया कि वहाँ एक ऐसा परिवार है जिसको मदद की आवश्यकता है, तो हम वहाँ जाते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये परिवार वास्तव में मदद की आवश्यकता है, और उनको बिना गए, बिना किसी पब्लिसिटी के उनके अकाउंट नंबर लेके मासिक पूरे वर्ष भर तक उनकी मदद करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो। अभी हमने एक बच्ची को असक्षम विधवा क्षत्राणी दी, जिनको मदद की पिछले 3 साल से, उनके पढ़ाई में मदद की, आज वो 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हो गई। मतलब आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करते हैं? आत्मनिर्भर और सक्षम, और ये मान लीजिए सब उनको ये गर्व रहे कि हमारे साथ समाज खड़ा है। आत्मनिर्भर हो गई तो सक्षम अपने आप। हाँ जी बिल्कुल। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे जो आज मेरे को मिल गए, बाकी ये कभी कैमरे पे आते नहीं है, इसलिए एक सवाल ये भी बनता है
विश्वनाथ जी जिनको आप विप्सा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, तो विप्सा आप इतना मतलब काम करते हैं, और क्योंकि मैं आपके राजपूताना संघ की एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ कि किस तरह से, तो आप बिना प्रचार के बिना सामने आए, जबकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को प्रचार चाहिए होता है, तो आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं मतलब ये? देखो मैं बताऊँ हम सब सीधी सी बात है, चेहरा बना के या मीडिया के सामने आके मुझे क्या लेना है? समाज ने जो मुझे जन्म दिया है स्कूल में, मुझे एक क्षत्रिय के रूप में उन्होंने जन्म दे दिया, मेरे माता पिता ने एक क्षत्रिय के रूप में मुझे बड़ा कर दिया, इससे बड़ा पद मेरे लिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। ये गर्व का विषय है कि मैं राम का वंशज हूँ, ये गर्व का विषय है कि कृष्ण ने मेरे कुल में जन्म लिया, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा? सोशल मीडिया या टीवी में काम करके या पहचान बना के क्या करना है? समाज को एक कार्य करना है, हमें नींव के पत्थर के रूप में काम करना है, हमारे पूर्वजों ने पहले भी तो काम किया ना, तो उस काम को हम करते जाएंगे, समाज को अच्छा लगेगा जो हमसे जुड़ेंगे, उन्हें लगता है हम गलत है नहीं जुड़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नींव के पत्थर के रूप में हमारा ध्येय ये है कि समाज को जमीन से सक्षम बढ़ाना पड़ेगा, हमें जो काम करना है वो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। रैलियो के माध्यम से हम ये जरूर इकट्ठे होते हैं, समाज को एक दिशा मिलती है, लेकिन उसको लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए हमें ग्राउंड पे काम करना होगा। तो आप विप्सा रेटा थे जो राजपूताना जय राजपूताना संघ के का पूरा जो है पूरा कार्यक्रम देखते हैं, इनके जो बड़े भाई हैं बौर सिंह जी रेटा वो इस संघ के संस्थापक हैं, और बैकग्राउंड के अंदर आप उसका सारा काम देखते हैं, आप कभी कैमरे के सामने आते नहीं हैं, लेकिन आज बस गए समझो, मौका मिल गया मुझे ये तो और मैंने पकड़ लिया, तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।